Good morning, everyone. So, students, today we will start a new chapter from your focus book at page number 69, chapter name, The Longest Story in the World. This is your title of this story. आपकी जो story है इसका title है जिसका name है The Longest Story in the World. This chapter is from your focus book. आपके focus book का chapter है chapter 11. Okay, so let's we start. Look at the first line. Once upon a time, there lived a tribal chief in Africa. It's a story about a man. Look, once upon a time, एक समय की बात है बहुत पहले की. There lived a tribal chief in Africa. Tribal क्या होता है students? एक एरिया जहाँ पे कुछ लोग रह रहे होते हैं आदिवासी, उनका जो हेड होता है मुखिया होता है उसे कहते हैं. He liked to listen to stories. उसे क्या पसंद था? उस चीफ को स्टोरी सुनना बहुत पसंद था. He knew so many stories that when someone began to tell him a story, he could tell them the ending. It's mean कि वो जो चीफ था उसको स्टोरी सुनना बहुत पसंद था. But he knew so many stories. उसको बहुत सारी stories पता थी. That when someone began to tell him a story, कि उसने इतनी सारी स्टोरी सुन ली थी कि जब उसको कोई स्टोरी सुनाने लगता था, he could tell them ending, कि वो उनसे पहले ही उसे एंड बता देता था कि इस स्टोरी में ये होगा, बिकॉज उसने ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज सुन रखी थी. सून नो वन इन द विलेज न्यू अ स्टोरी दैट द चीफ हैड नॉट ऑलरेडी हर्ड. ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, इसने इतनी सारी स्टोरी सुन ली कि गाँव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जिसके पास ऐसी स्टोरी हो जो उसने ना सुनी हो. द विलेज न्यू द स्टोरी दैट द चीफ हैड नॉट ऑलरेडी हर्ड. ऐसी कोई स्टोरी नहीं बची थी जो उसने सुनी ना हो. एज डे पास, इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए. द चीफ डिजायर टू हियर अ न्यू स्टोरी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जो चीफ था उसे इच्छा हुई. डिजायर मीन इच्छा होना, विश करना या इच्छा करना. टू हियर अ न्यू स्टोरी, एक नई कहानी सुनने की इच्छा हुई, बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो, डिफरेंट हो, जो उसने ना सुनी हो. बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, जो कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे. ही ऑल्सो वॉन्टेड इट टू बी अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि वो जो स्टोरी रहे वो बहुत ही लॉन्ग रहे. He asked his guard to look for a good storyteller. उसने अपने guard से पूछा कि वो उसे storytellers के बारे में, मतलब storyteller को ढूंढ कर लेकर आए जो उसे story सुनाए. Our chief will give many presents to the person who will tell him the longest story in the world and make him laugh. तो guards जो क्या करते हैं, the guards shouted in the street for nearby villages. गाँव के पास गलियों में जो गार्ड्स हैं चीफ के, वो ऐलान लगाते हैं कि आज चीफ विल गिव मैनी प्रेजेंट, कि हमारे जो चीफ हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट देंगे. किन्हें? टू द पर्सन, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, हु विल टेल हिम द लॉन्गेस्ट स्टोरी, जो उन्हें सबसे लंबी कहानी, सबसे बड़ी कहानी सुनाएगा. इन द वर्ल्ड एंड मेक हिम लाफ, और दुनिया की सबसे बड़ी कहानी जो उन्हें सुनाएगा और उन्हें हंसा देगा, उसे वो बहुत सारे प्रेजेंट्स देंगे. द गार्ड शाउटेड इन द स्ट्रीट फॉर नियर बाय विलेज. ये बात जो गार्ड्स थे वो गांव के पास की गलियों में चिल्ला रहे थे ताकि सब लोगों को ये चीज़ पता चल जाए. नेक्स्ट, मैनी पीपल्स कैम टू द चीफ एंड टोल्ड हिम लॉन्ग स्टोरीज. बहुत से लोग आए जिन्होंने उन्हें बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाई. दे ट्राई टू मेक हिम लाफ, उन्होंने उन्हें हंसाने की भी बहुत कोशिश की. बट फेल्ड मिसरेबली, पर वो सभी क्या हुए, फेल हो गए. द चीफ ऑलवेज सेड, चीफ हमेशा यही कहता था, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट स्टोरी. जितने भी लोग स्टोरी सुनाने आते थे, चीफ यही बात कहता था कि ये बड़ी स्टोरी नहीं है, ये तो बहुत छोटी थी.
And next, look. It does not assume me. इसने मुझे मतलब मुझे मेरा entertainment नहीं किया, मुझे मुझे इसको सुनकर अच्छा नहीं लगा. One day a boy come to the chief and said, एक दिन एक लड़का chief के पास आता है और कहता है, Oh my chief, अरे हमारे मंत्री, let me tell you the longest story in the world, कि मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी सुनाता हूँ. तो वो बॉय कहता है, मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी कहानी सुनाता हूँ. एंड मेक यू लाफ, और आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ या आपको हंसाता हूँ. द चीफ आंसर, चीफ कहता है, वेल सिट डाउन एंड बिगिन योर स्टोरी. तो चीफ कहता है, ठीक है तुम बैठो और अपनी कहानी शुरू करो, मुझे कहानी सुनाना शुरू करो. द बॉय बिगेन लॉन्ग एंड लॉन्ग अगे, बॉय ने शुरुआत की अपनी स्टोरी की कि बहुत समय पहले द लिव्ड अ मैन, एक मैन रहता था, हिज नेम वॉज उबन बाऊ, जिसका नेम क्या था, उबन बाऊ था. ही एट सो मच दैट नो वन कुड फीड हिम टिल ही वॉज फुल. वो इतना सारा खाता था कि उसे कोई फीड ही नहीं कर सकता था, उसकी भूख कोई मिटा ही नहीं सकता था जब तक कि वो खुद फुल ना हो जाए. मतलब उसे बहुत सारा खाता था वो. द किंग ऑफ द कंट्री, जिस राज्य में वो व्यक्ति रहता था, उबन बाऊ, उस कंट्री के जो राजा थे, जो किंग थे, इन विच उबन बाऊ लिव्ड, हियर्ड अबाउट, उन राजा ने उबन बाऊ के बारे में सुना. ही इन्वाइटेड उबन बाऊ टू डिनर, उन्होंने डिनर पे उबन बाऊ को इन्वाइट किया. द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ब्रिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉट्स ऑफ सूप एंड फ्रूट्स. किंग ने अपने ऑर्डर्स दिए, अपने जो मेम्बर्स थे उसके किंगडम में, उनको ऑर्डर्स दिए कि लोगों को ऑर्डर दिए कि वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, हज़ारों और सौ और हज़ारों की संख्या में पॉट्स लेकर आए सूप एंड फ्रूट्स, जिसमें बहुत सारे सूप्स हों और फ्रूट्स हों. कैमल्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस वर यूज्ड टू ब्रिंग ऑल द फूड टू द प्लेस. दैट मीन्स कि कैमल्स, ऊंट, एलिफेंट्स, हाथी एंड हॉर्सेस, इनका यूज़ किया गया Bring all the food to the place. उस जगह पर भोजन को लाने के लिए किंग ने ऑर्डर दिया था ना, तो उन्हें लाने के लिए एलिफेंट्स, कैमल एंड हॉर्सेस का यूज़ किया गया. So students, this is your story, chapter 11. At today, we will stop here. We will continue our story in next class. Okay students, bye and take care.